हेलो एवरीवन, आप लोग देख रहे हैं डब्ल्यू एस। तो आप लोगों ने देखा होगा कि क्रिकेट बॉल के अंदर क्या होता है, टेनिस बॉल के अंदर भी देखा होगा, लेकिन गोल्फ बॉल के अंदर क्या होता है ये आपने बहुत कम ही देखा होगा। तो यहाँ पे हम लोग इस छोटे से मुन्नी सी प्यारी सी दुलारी सी क्यूट सी, आप लोग छोटे को और क्या बोलते हैं कमेंट में बताना, इस छोटे से बॉल को काट के देखने वाले हैं अपने इस छोटी सी आरी से। जी नहीं, छोटी सी आरी से तो बॉल नहीं कट पाएगी, इसे काटने के लिए हमें यूज में लेना होगा अपनी बड़ी आरी को, क्योंकि ज्यादा आसानी से कट जाए। तो सबसे पहले मैं आपको ये बॉल दिखा देता हूँ, फिर इसे काट के देखते हूँ कि इसके अंदर क्या हो सकता है। तो यहाँ पे मेरे पास इनेसिस कंपनी की बॉल है और गोल्फ बॉल और भी कई तरीके की आती है, कई वैरायटी की आती हैं। मुझे ये वाली मिल गई तो मैं इसे ले आया आपको काट के दिखाने के लिए। और आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, यहाँ पे जो गड्ढे बने हुए हैं, डिम्पल बने हुए हैं, इसकी वजह से गोल्फ बॉल की रेंज ज़्यादा हो जाती है। तो इन डिम्पल्स में भी साइंस छुपी हुई है। तो चले इसे काटने की तैयारी शुरू करते हैं, लेकिन तब तक आप लोग कमेंट में बताइए क्या आप लोग अलग अलग वैरायटी और अलग अलग रेंज के गोल्फ बॉल का व्हाट इज इनसाइड वीडियो चाहते हैं, तो कमेंट में बताना। तो फाइनली हमारी गोल्फ बॉल दो हिस्सों में कट गई है, तो चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या निकलता है। तो इसे अलग करते हैं और ये देखो, तो यहाँ पे केवल दो परतें हैं, एक बाहर की और एक अंदर की। तो जो बाहर की डिम्पल वाली परत है वो करीब 0.5 mm की है और मजबूत के साथ लचीली भी है, तभी बॉल बाउंस होती है। लेकिन जो अंदर की परत है आप लोग देखिए, ये भी काफ़ी मजबूत है, बहुत मजबूत है, लेकिन ये देखो ये हल्की दब भी रही है अंगूठे से प्रेस करने पर, लेकिन टूट तो ऐसे रही है मानो कोई लकड़ी हो। तो पता नहीं कौन सा मटेरियल इन्होंने यूज़ किया इस बॉल को बनाने में, काफ़ी अमेजिंग बॉल है। तो चले इसे इसकी मजबूती को चेक करते हैं मिक्सर ग्राइंडर में और देखते हैं क्या ये मिक्सर ग्राइंडर में पिसेगी या नहीं। वैसे आपको क्या लगता है, पिसेगी या नहीं, वो तो पीस के ही मालूम चलेगा। तो यहाँ पे हमारी ग्राइंडर तैयार है और केवल आपके लिए यहाँ पे मैं एक कांच का ढक्कन ले आया हूँ अपने घर के कढ़ाई का, ताकि दिखे कि क्या हो रहा है इसके अंदर। तो इस बात के लिए एक लाइक तो बनता है, क्योंकि अगर फूट गया तो मेरी पिटाई तय। ओहो, बहुत जोर की आवाज आ रही, ओह माय गॉड, मुझे तो लग रहा है कि मेरा ये कांच का प्लेट ही टूट जाएगी। तो मैं प्लास्टिक का ढक्कन ले आया और ये तो पिस ही नहीं रही है, काफी मजबूत हैं। लगता है मेरी मिक्सी गई या फिर बॉक्स गया या फिर इसका डब्बा गया, कुछ तो गया है। तो आपने देखा कि यहाँ पे बॉल काफ़ी मजबूत थी, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, उल्टा मेरी मिक्स ही टूट गई। तो इस बात के लाइक बनता है और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर देना। बाय बाय।